भाई बहुत दिनों के बाद इसकी गाय के दर्शन हुए हमें। हाय, ये तो ऐसे मत कर, अंदर आ जाएगी वो। अबे लाल टपका दी, लाल टपका दी अंदर, ये देख कितना बदतम है इसे। तू बात ये नहीं, लाल टपका दी इसे, देखो थोड़ा लेट हो रहा है, बट कोई नहीं। अगर मेरे ड्रेस में लाल टपकती, कोई नहीं यार, गाय की लार है तू। अभी गाय की लार की बात है, जानबूझ के किया तूने ऐसा, जानबूझ के। मतलब गाइस मैं बिल्कुल रेडी होके जा रही हूँ, और गाय बोल रहा था कि तो क्या हो गया, गाय की लार टपक गई। ब्लॉग की शुरुआत हमें की गई, हो चुकी है हमारी ब्लॉन्डू के साथ, हमारी गाय का नाम। अच्छा चल रही, गेस्ट करके आई है, कौन सा ब्लॉग चल रहा है? ये चल रहा है गाइस हमारा 18वां ब्लॉग। Nice. मुझे लग रहा है इसकी शायद मुझे ही ब्लॉग का पता होता है, क्योंकि मैं तो एडिटिंग करती हूँ, मुझे लगा नहीं था कि इसको ध्यान होगा। ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है, आज दोबारा से संडे आ चुका है, संडे को हम लोग जा रहे हैं दोबारा से आज इस्कॉन टेम्पल, yes. हमारे शिमला में, एंड उसके बाद हम लोग कहीं तो जाएंगे, मैं तुम लोग को बताता हूँ बाद में, ठीक है। भाई दीदी देख रही है आज उस पहाड़ के नीचे का, लास्ट टाइम ना बाद में अपने गाड़ी लगी थी बड़े डेंजर जगह पे, आज बंदे ने हटा दिया। भाई तुम लोग के बात होता हूँ, कल रात को मेरे को सपना आया, जैसे गिरा है ना बस नीचे शिमला के लैंडस्लाइड में होते वाला कांड, ठीक है ना, तो मुझे ऐसा ही कुछ सपना आया कि मैं कहीं पे था, खेल रहा था, और ऊपर से सिस्टम नीचे आ गया और मैं घुस गया यहाँ। एग्जैक्ट ये जगह नहीं थी, सपने में कोई और जगह थी, फुल ग्राउंड था, मेरे को ना जमीन ऐसे धसते हुए दिखी धीरे धीरे करके नीचे के लिए, और जैसे ही वो जमीन पूरी धसी ना नीचे, मैं इतने में नींद टूट गई मेरी, एकदम से मर गया, मतलब मैं सपने में भाई, और फैसला मैं कभी, ये क्या घटिया सपना देखा, सुबह सुबह 9 बजे यार। सुबह नहीं बोलते, 9 बजे मतलब सुबह ही मान लो, मैं तो उसी वक्त उठाऊ ना यार, भाई साहब बहुत डर, सपने बहुत डर लगा मेरे को उस टाइम पे, बट फिर मैं उठा, उसमें दोबारा सो गया, बात खत्म। बॉयज एंड गर्ल्स यार, हम लोग संडे क्लास से वापस आ चुके हैं इस्कॉन से, और पता है हम लोगों ने वहाँ पे कितना ज्यादा खाया, इतना ज्यादा खाया कि पेट फटने को आगे, बट ये बंदी ना अभी भी राज कचौड़ी पेस्ट्रियां सब खरीद के लेकर आई। नहीं, घर में तो खाना खाना ही नहीं है, तूने बहुत ज्यादा खाया, मैंने नहीं खाया, पता क्या, मैंने एक लिमिट का खाया कि मेरे पेट में थोड़ी सी जगह थी, मुझे पता था कि यहाँ से ऊपर से मेरे को राज कचौड़ी खाने का बड़ा मन था, इसने खाया है, तूने खाया है, खाया तो है तूने कुछ ना कुछ, तू तो ऐसे बोल रहा, अच्छा तो मतलब जो मैं लेके आई हूँ, जो मैं लेके आई हूँ, मतलब तू नहीं खाएगा उसको, लेकर आई है तो मैं कैसे मना कर सकता हूँ, ये लालच तो छोड़ो, पड़ेगा है ना खाना, तो मेरे को पड़ेगा, ऐसे किसी ने कंपल्सरी नहीं बोला, खाना तो होता है, भगवान बोलते हैं। वैसे मैंने तेरे लिए भी लाया, इसीलिए टेंशन, मतलब मुझे पता था कि अगर मैं अकेले अपने लाऊंगी तो ऐसा, तो बात वैसे ही मुझे बोल रहा था कि मेरे लिए, मेरे पेट भरा है, क्या जरूरत है खाने की, तो मैंने बोला मैं अपने लिए ले आती हूँ, फिर मेरे को वहाँ दया आ गई, मैं इसके लिए भी ले लेती यार, नहीं तो मैं अपने से शेयर नहीं करूंगी, टेंशन वाली बात ही नहीं कोई। अच्छा टेंशन क्या, मैं टेंशन नहीं ले रही भाई। बाय द वे आज की क्लास बहुत ज्यादा अमेजिंग थी। रुको यार मैं तुमको कुछ दिखाती हूँ, ये देखो मेरे को पता था, अभी पता क्या सीन हुई, ये देखो मेरी राज कचौड़ी पे सीधा हमला कर दिया बंदे ने, मैंने ना अपनी, मतलब इसके लिए ना मैंने प्लेट में निकाल दी थोड़ी सी, क्योंकि ये बोल रहा था ना गाड़ी में, मुझे लेक्चर दे रहा था कि पेट भरा है, मैं तो नहीं खाऊंगा ज्यादा, और मेरा ही हिस्सा उठा के लेके आ गया बंदा, जो सबसे ज्यादा हिस्सा था, कितना चंटे भाई तू, मेरे को क्यों लेक्चर दे रहा था, मेरे को क्यों लेक्चर दे रहा था गाड़ी में, बताइए, भूख नहीं लग रही थी, लेकिन जहाँ से हम लोग आ रहे ना अभी 10 किलो सब्जी खरीद कर आए, जो सारी मैंने उठाई थी। अच्छा, तो तेरा मतलब पेट में जो तूने खाया था सारा डाइजेस्ट हो गया? हाँ हो गया सारा डाइजेस्ट, खुद ये बंदी इसको खरीदने गई, चाबी लेके चली गई, मैं 1 डिग्री सेल्सियस के बाद ठंड में खड़ा हूँ ऐसे, तो यार तुम देख रहे हो आज तुम्हें पता लगा ना सिब्लिंग्स कैसे होते हैं, मतलब मैंने मेरा हिस्सा उठा के ले गया बंदा, मेरे को लेक्चर दे रहा था, और कोई नहीं चल, मेरे को इतनी सच बताओ, मेरे को एक्चुअली में इतनी भूख नहीं है, वो तो तू खा ले, लेकिन मेरे को हंसी आ रही भाई तेरे पे, क्या चंट आदमी है भाई तू, पेस्ट्री भी दे दे यार। ए कोई पेस्ट्री नहीं, पेस्ट्री तो मैंने एक ही लाई है बस अपने लिए, समझा, देखी है, चल एक ले गया, कितना चंट खाऊंगा, पेस्ट्री लाई थी दो ना, राज कचौड़ी मैंने एक ही लाई थी, क्योंकि मेरा मन था खाने का, इसने मना कर दिया था, तो मैंने पेस्ट्री लाई थी, तो पर अब चलो कोई नहीं, वो भी आधा आधा हो गया, तो इतना प्यार तो मैं बांट ही सकती तेरे से यार, क्या बात कर ली तूने, क्या बात कर ली, दी नेक्स्ट डे, ऑल राइट वेलकम गाइस, तो गाइस देखो यार अभी मैंने सोचा है कि आज के दिन का जो खाना है वो मैं खुद स्वयं बनाने वाला, तो मैंने गाइस थोड़ी बहुत यहाँ पे सब्जियां काट दी है, यहाँ पे तुम लोग जैसे चावल मैंने लगा दिए हैं, और यहाँ पे मैंने थोड़ा बहुत, ये क्या क्या बोल रहा है, मतलब यार मैं ना भूल गया तेरा कमरा यहीं पे है, मैं तो कोई सरप्राइज देना चाहता था, आज लंच मैं बनाऊंगा 100% क्या बनाने वाला, मेरे को आज मैं पुलाव बनाने वाला हूँ, वैसे बहुत मजा आएगा, पुलाव के लिए इतनी सब्जी मिक्स वेज लग रही गाइस, ये तो कुछ क्या क्या डाला तूने इसमें, तूने मेरे किस्म का पुलाव है, और मैं तेरे हाथ में जिंदगी में पुलाव नहीं खाया, मेरे को तो आज खा, इतनी ज्यादा सब्जियों के साथ ऐसा टेस्टी पुलाव बनाऊंगा ना भाई, चावल मजा आ रहा है यार, चावल थोड़ा, चावल बहुत है,
तू बस देखती रह, तू बस आगे कर। अगर टेस्ट नहीं आया ना, क्योंकि गाइस ऐसे इतनी सारी सब्जियां डाली है, इतनी सब्जियां डाली इसमें, टेस्ट मैटर करता है भाई। इसके लिए टेस्टी अच्छा बनाने के लिए तू किचन में आया कब? सारी चीजें प्रिपेयर रखी बंदे ने, सब कुछ काट वाट के रखा हुआ, कब आया तू किचन में? करना पड़ता। मैं यहाँ पर क्या करूंगा गाइस, अभी मैं यहाँ पे टमाटर काटूंगा। टमाटर काट रहा था बंदे, थोड़े से कम है टमाटर पड़े हुए ना, तो बाकी तू बस देख एक बार। ये पुलाव ऐसा बनेगा ना कि तू भाई अपने हाथ चाटती रह जाएगी। आई होप पैर भी चाट देगी अपने, इतना टेस्ट। बकवास नहीं, आई होप कि अच्छा ही बने, जैसा बोल रहा है वैसा ही बनेगा बेटा, तू देखियो। भाई साहब पहले तू मुझे ना बता दे इसको कैसे बनाना, क्योंकि मुझे नहीं पता कि तेरे को पुलाव आता है, क्योंकि गाइस मैंने देखा ही नहीं इसको पुलाव बनाते हुए यार। बस जिंदगी में अकेला भी रहा हूँ 3-4 साल, जिंदा हूँ ना अभी तक। पुलाव बनाता था तू सिर्फ, है मतलब पुलाव सब कुछ बनाया हुआ देख। तो गाइस अभी हम लोग सरसों के तेल का इस्तेमाल करें, पहले को जलाऊंगा मैं, ठीक है ना? तो समझ के रख इसको, जला अच्छा। रहा हूँ ताकि वो स्मेल ना आए, ऐसे करते हैं, ठीक है? अच्छा समझ गई। और इसके अलावा मैं इसमें ना पता क्या डालने वाला हूँ, क्या शायद है वो मेरे को तभी इसमें भरोसा नहीं, कुछ भी इंग्रेडिएंट डाल सकता है, क्या ढूंढ रहा है इसमें? पता भी तो क्या इसके अंदर है? हमारा पत्ता जो गौ माता खाती है। क्या पत्ता गौ माता खाती? तेज पत्ता बोलते हैं इसको, क्या गौ माता? ये पत्ता गाइस गौ माता खाती है, बहुत पसंद है उनको, इसलिए हम इसको डालते हैं खाने में। मैं मजाक कर रहा हूँ, ये लॉजिक ये नहीं है। खड़े मसाले होते हैं उसका पत्ता है, खड़े मसाले बोलते हैं ना। हाँ यार, इस पत्ते में छेद की बड़ी इलायची है यहाँ पे घर में पड़ी हुई, बड़ी इलायची यार देखनी पड़ेगी, थी पड़ी हुई। इसको सारी इंग्रेडिएंट के बारे में पता है यार, ढूंढना पड़ेगा यार, क्योंकि बड़ी इलायची वगैरह ना हर चीज में यूज होती है। धनिया को, लेकिन मैं धनिया की जगह पे धनिया का पाउडर, तुझे ही धनिया पसंद नहीं है गाइस। जब भी मैं इसको दाल में डालती हूँ ना, इसको हमेशा ऐसा लगता है यार मुंह में आ रहा, गंदा है। अच्छा बंद लगता है ना। अच्छा तू बना रहा तो सब ठीक है, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे डालेंगे मसाले, चलो आ जाओ। मुझे तो अभी इसको पता है, इसको ये भी नहीं पता होगा ये कौन सा मसाला है। अबे धनिया मसाला है। हाँ यार, लास्ट टाइम में मैंने तेरे से पूछा था, इसलिए तुझे पता है, इसलिए सेकंड के लिए। चलो गाइस पहले हम इसको डालेंगे। क्या क्या इसमें कढ़ाई हो रहा है? अब इसमें हम लोग डालेंगे जीरे को सबसे पहले। जीरा पड़ा, अभी कभी भी आप एकदम से जल सकता है, तो इसको थोड़ा सा जलाने से पहले प्याज। बंदे को पता है कैसे बनाते हैं यार, मुझे लगा नहीं रहा। अरे मुझे मोटा मोटा बता दे, मैंने तेरी पूरी कुकिंग नहीं देखनी है, और ना मैंने कैमरा पकड़ के कुकिंग दिखानी है। सीधी सी बात है, इसमें हम लोग डालेंगे प्याज, तो थोड़ा ब्राउन होगा, उसके बाद हम लोग डालेंगे टमाटर वगैरह, उसके बाद हम लोग डालेंगे मसाले वगैरह। इनफैक्ट सब्जी कब डालेगा? सब्जी हम लोग डालेंगे जब पूरे मसाले अच्छे से, जब पानी छोड़ देगा ये अपना टमाटर। अच्छा अच्छा, एंड देन उसके बाद डालेंगे सब्जी वगैरह, अच्छे से भुनेंगे, उसके बाद चावल डाल के पैन डाल के बस बच गई गाइस, इसको आता है बनाना। बाकी अब जब बन जाएगा तो मैं सीधा टेस्टिंग में दिखाने वाली हूँ। देखना चाहती है? यहाँ देख, क्या धुआं, ओ ये काफी यम्मी लग रहा है देख के। सारी सब्जियां ऊपर आई, और ये बहुत ज्यादा गीला बन गया, थोड़ी सिटी वाल लगानी पड़ेगी लग रहा है मेरे को बहुत। नहीं ठीक है। आर यू श्योर? हाँ रसीला लग रहा है ऊपर से देख के, ये काटा हुआ तो इसको डाल देना इसमें, मेरे को लग रहा तूने। अच्छा ऐसी डालेगा? गाइस जो भी कहो, ये गीला नहीं है, इसने पहले ही बंद कर दिया चावल को, तो मेरे को पानी। चलो मैं एक सीटी वाला लगाता हूँ इसमें, ऑब्वियसली यार लगाना पड़ेगा। जिंदगी में ऐसी गलतियां होती है इंसानों से, जो बहुत टाइम के बाद खाना बना रहे, बट टेस्ट वाइज अच्छा होगा। हाँ नहीं, टेस्ट वाइज तो लग रहा था यार। okay. और ये सेकंड ट्रायल में भी यार पानी थोड़ा ज्यादा डाल दिया भाई ने, मैंने थोड़ा ज्यादा डाल दिया, कोई नहीं टेस्ट में अच्छा। अरे पर टेस्ट में बढ़िया लगेगा यार, मेरे को भी निकाल के देना भाई, ये तेरे लिए ही वाला थोड़ा सा, बस काफी है आपके लिए होगा, थोड़ा सा मैं खा लेता हूं। और ये नीचे गिरा दिया थोड़ा भाई ने, थाली का है भाई, मेरे दूसरी थाली निकालना, तेज है टेस्ट बता। इसमें मेन यार गाइस घी डालेंगे ना, तो घी से क्या स्वाद आने वाला, एकदम टेस्ट टेस्ट बता। और जी कैसा लगा? टेस्टी था ना, बहुत ज्यादा यम्मी दिखने में, बहुत टेस्टी लग रहा है। थोड़ा सा पानी का, पानी दिख भी नहीं रहा, पानी इवेपोरेट हो जाएगा, खुश हो जाओ और डाल दे इसको। थैंक यू। थोड़ा पानी ज्यादा पड़ गया, लेकिन गाइस यू गाइस कैन क्लियरली सी सही लगा, दिखने में अच्छा लगा, तो टेस्टी तो हो गई ना। बहुत टेस्टी है, मैं बोल रही तो बहुत टेस्टी है। गाइस टेस्ट टेस्ट करना तो मेरे लिए भी बनता है। वाह बहुत टेस्टी है। इस ब्लॉग को मैं आज यहीं पे खत्म करने वाला हूँ। अगर ब्लॉग पसंद आया तो लाइक जरूर करना, चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करना, और मैं तब लोगों से ऐसी धारा नेक्स्ट ब्लॉग में गाइस। नमस्ते, ऑसम गाइस, बाय। मैं इसको एंजॉय करता हूँ, बाद में थोड़ी वैलोरेंट खेलूंगा, और आज शाम को एक आधी रिकॉर्डिंग्स भी करनी है।